तशरीफ रखते बावकार उलमाए किराम, बड़े भाई नकीबे मुल्क हिंदुस्तान सरदमीने बनारस में रहने वालों, इस कोटवा की सरदमीन पे तशरीफ लाए हुए सुन्नी सवील अकीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। माशाल्लाह एहसान शाकिर, तो आपकी इसी अदा सबूत देते हुए, अपने गुलामी का सबूत देते हुए मिलकर बावजे बुलंद के पाक पढ़ने, अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना शफीयना व नबीयना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कितने लोग हैं जो बोल के सुनना जानते हैं? सुभान अल्लाह बोल के जो सुनना जानता है वो हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह सब सुभान अल्लाह बोल के सुनते हैं। मैं मतला पढ़ता हूँ, अब ये जान ले कि जिक्र ऐसे वैसे का नहीं, इमाम हुसैन की अम्मी जान का होने जा रहा है, इमाम हसन की अम्मी जान का होने जा रहा है, मौला अली की जज़े मोहतरमा का होने जा रहा है। अब मैं मतला पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले। जिसके दिल में, जिसके दिल में, हाय 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 क्या कहने, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा, सिर्फ नाम पे मचल जाओ यार, सिर्फ नाम पे मचलो, फातिमा का नाम सुनकर ही मचल जाओ। जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा, हजरत फातिमा की मोहब्बत जिसके जिसके दिल में बसी है उसका मामला क्या है? जब अगला शेर आएगा तो मचल जाएंगे। कि जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा, अगला शेर अब तक नहीं पहुंचेगा। जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा, जिसके दिल में क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, आप भी तो बोले और जोर से। कि जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा, बहुत अच्छा मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, यहाँ से वहां तक सारे लोग अपने हाथों को फिजा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। कि जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा, उस पे वाजिब, उस पे वाजिब, उस पे वाजिब, उस पे वाजिब, उस पे वाजिब बाग जन्नत हो गई है फातिमा, उस पे वाजिब नारे तकबीर। हाथ उठे है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। किसी शेर को अपने
अपनी निगाहों के सामने रख ले और ये शेर सुने कि हम अली के, हम नबी के, हम अली के, हम नबी के, हम अली के, हम नबी के, हम नबी के चाहने वालों का ये ईमान है। और जिनका ईमान है, जिन जिनका अकीदा है, मुझे यकीन है कि कोई खामोश नहीं बैठेगा कि हम नबी के, हम अली के, हम नबी के चाहने वालों का ये ईमान है। हम नबी के चाहने खामोश हो गए। कोड भाषा याद कर लें आप कि हम नबी के चाहने वालों का ये ईमान है। क्या तेरे घर का, 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 तेरे घर का बच्चा, बच्चा तो वली है फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, उर्से मुकद्दर, फैजाने हजरत बलखी शाह रहमतुल्लाह अलैह। बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा, तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा, तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा। सुन्नी गरीब मुसलमानों, रब की बारगाह में ये शिकायत ना किया करो कि अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया है। अरे शुक्र अदा किया करो, ये गरीबी अगर मिली भी है हमको तो कहां से मिली है। सुनो और खुश हो जाओ, जो रब से शिकायत करते हो ना, परवरदिगार तूने तो मुझे गरीब बनाया है, ये बंद कर दो। लेकिन सोच लो, अगर ये गरीबी मिली भी है तो हमें कहां से मिली है। अब मैं कहता हूं, इसलिए अपनी गरीबी, अगर सच्चा शेर हो तो दुआओं का तालीब देखेंगे बड़े भाई। इसलिए अपनी गरीबी पे बहुत नाज़ा हूँ मैं। जो बहुत बड़ा अमीर होगा उसका मुंह तो एकदम लटका रहेगा, लेकिन जो गरीब होगा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो तो खुश हो जाएगा शेर को सुनने के बाद। इसलिए अपनी गरीबी, इसलिए अपनी गरीबी पे बहुत नाज़ा हूँ मैं। तेरे घर से, तेरे घर से, तेरे घर से होके ही गुरबत चली है फातिमा। तेरे घर से, तेरे घर से, तेरे घर से जिंदाबाद। तेरे घर से होके ही गुरबत चली है फातिमा, तेरे घर से होके ही गुरबत चली है फातिमा। हम चाहेंगे इस शेर का आप फिर से इस्तकबाल करें।
बहुत बड़ा शेर है जनाब एहसान शाकिर साहब, यकीनन बड़ी अच्छी फिक्र दिया है इन्होंने। हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिएगा, कसम खुदा की खुदी का है, जिन्हें नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं, खुदा वाले कहीं खाकी बिछौना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिए, नारे नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा, अजमत मखदूमे कायनात, शायर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर आजम रोही। वाकई दिली बात बता दूं कड़वा वालों, आप के शम्स कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं इस्तकबाल करता हूं। लेकिन बहुत अच्छा शेर, बहुत बड़ा शेर आपने समाप्त किया बड़ी मोहब्बतों से। फिर हुक्म हो रहा है, मैं इस शेर को फिर पढ़ता हूँ, अगर जहमत ना हो तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत के साथ फिर ये शेर सुन ले, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी गरीबे, इसलिए अपनी गरीबे पे बहुत नाजा हूं मैं, इसलिए अपनी गरीबी पे बहुत नाजा हूं मैं, इसलिए अपनी गरीबी पे बहुत नाजा हूं मैं। क्यों तेरे घर से, 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 तेरे घर से हो के ही गुरबत चली है फातिमा, तेरे घर से, तेरे घर से, तेरे घर से हो के ही गुर चली है फातिमा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं एक कलाम के कुछ अशआर पहुंचा रहा हूँ, ये जान ले कि इस कलाम में वो खासियत है, वो रंग है कि ये आशिक रसूल है। इसको यहाँ लगा दो ना, एक दीवाना रसूल है, वो अपने नबी की बारगाह में अपनी अर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना पेश कर रहा है, तो किस अंदाज से पेश कर रहा है और क्या क्या कहता है सुन ले इंशाल्लाह। आप भी बैठे हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं आप, अगर आपके दिल में भी ये तमन्ना होगी, ये ख्वाहिश होगी, ये आरजू होगी, तो मुझे यकीन है कि हर शख्स बोलेगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं हाथ उठा के बता दें, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अब उस दीवाने की एक एक तमन्ना, एक एक आरजू सुने, एक एक ख्वाहिश सुने, इंशाल्लाह थोड़ा सा रंग पैदा करें। गुज़श्ता साल मामला कुछ गड़बड़ था लेकिन आज अच्छा है, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार करम फरमा देना, सरकार करम, सुने इंशाल्लाह। मैंने पहले ही बता दिया है कि वो दीवाना है, अपने नबी की बारगाह में अपनी अर्जी पेश कर रहा है, अपनी तमन्ना पेश कर रहा है, तो कहता क्या है, एक एक बात सुनेंगे। पहले तो कहता क्या है, सरकार करम फरमा देना, 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 सरकार करम फरमा देना। अभी नहीं, जो रंग मुझे चाहिए वही रंग आप सब मिलकर पढ़े क्या, सरकार करम फरमा, सरकार करम फरमा ना, सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा
चाह देना। अब उसकी पहली तमन्ना सुने, कहता क्या है कि कुर्बान है जिस पे बागे रम, जिन्होंने नबी का वो दयार देखा है वो तड़प जाए। कुर्बान है जिस पे बागे रम, कुर्बान है जिस पे बागे रम, है मेरे नबी का पाक हरम है, मेरे नबी का पाक हरम है, मेरे नबी का पाक हरम। हर समत है नूरानी मंजर, हर समत है नूरानी मंजर, हर समत है जलवैशा है उमम, हर समत है जलवैशा है उमम। सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना, सरकार हाथों को लहरा के बोले सरकार करम फरमा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना सरकार करम फरमा देना, बात और लगाऊंगा आपको भी मेरे साथ बोलना है। वो बात क्या है, आज के माहौल को याद कर लें, आज का जो रंग चल रहा है, जो ये माहौल चल रहा है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी फरियाद कहीं नहीं सुनी जाएगी, अगर सुनी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी। उसी को याद करके वो दीवाना कहता का है कि हम कहाँ सरकार जाए, इसी को बीच बीच में आप सब बोलेंगे, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, आपके कुछ न कहे, किसी से कोई शिकायत ना करें, आप न घबराएं, दिल से फरियाद करें अपने आका की बारगाह में, कसम खुदा की अगर ये दिल की आवाज गुंबद से जाके टकरा गई ना तो ये सारे मामले यही दफा दफा हो जाएंगे। दिल से पुकारो हम कहाँ सरकार आपके हुए। अब वही दूसरी तमन्ना देखें उस दीवाने की, कहता क्या है अपने आका से कि सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि जब सूरह यासीन पढ़ता हूँ, जोर से जमा जोर से और जोर से हाथों को फिजा में लहरा के बोलो और बुलंद आवाज से बोलो कि जब सूरह, अगर आपके भी यही तमन्ना होगी कोलिबा वालों, तो जो बात वो दीवाना कह रहा है अपने आका से, आपकी भी तमन्ना यही है तो हर शख्स उठा के बोलेगा हाथ को सुभान अल्लाह। सुने वो शेर, जब सूरह यासीन पढ़ता हूँ, जब सूरह यासीन पढ़ता हूँ, तन्हाई में रोता रहता हूँ, तन्हाई में रोता रहता हूँ, जब सूरह यासीन पढ़ता हूँ, तन्हाई में रोता रहता हूँ, तन्हाई में रोता रहता हूँ। कुरान के पन्नों में अक्सर, कुरान के पन्नों में अक्सर, कुरान के पन्नों में अक्सर मैं आपको देखा करता हूँ, मैं आपको ता हूँ, मैं आप
सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। नारे रिसालत उर्से मुकद्दस फैजाने हजरत बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। फिर भी तो बोले हम कहां सरकार जाए, दिल 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 के दिल के आवाज से, दिल की आवाज से पुकारे अपने नबी को, हम कहां कार जाए आपके हुए मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता मेरे रहबर मेरे सरवर मेरे मावा मेरे मलजा मेरे आका, हम कहां सरकार जाए आपके हुए। ये लोग बैठे हैं, कसम खुदा की अगर एक शख्स भी दिल से अपने नबी को पुकार लेगा ना, तो आज की महफिल से ही इंशाल्लाह जो मामले हैं सब रफा दफा होंगे। लेकिन दिल से पुकार के देखे मोमिनों, हाथों को लहरा के बोलो हम कहां सरकार आपके हुए। अब वही तीसरी तमन्ना देखें उस दीवाने की, वो दीवाना पहले तो अपने नबी का दयार देखने की बात कर रहा है, फिर नबी को ख्वाब में देखने की बात कर रहा है, अब अपने आका से एक बात और कहता है, वो सबसे बड़ी बात कह रहा है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये मालूम है कि मुसलमान है, लेकिन जब मौत के करीब जाएंगे तो ये हमें नहीं मालूम कि खात्मा किस हाल पे होगा, ईमान पे होगा या बेईमानी पे होगा, ये नहीं मालूम। उसी को याद करके वो दीवाना अपने आका से कहता क्या है कि जब मौत की हिचकी आने लगे, और जोर से आपकी भी यही तमन्ना होगी तो बोलिएगा कि जब मौत की हिचकी आने लगे, जब मौत की हिचकी आने लगे और प्यासी जबान थर्राने लगे, और प्यासी जबान थर्राने लगे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब रूह निकल कर जाने लगे, उस वक्त जरा ऐसा ये मोदा 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 हम कल नसीब करा सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के मेरे साथ बोले क्या कि सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना, सरकार देना, सरकार माह देना, सरकार माह देना, सरकार जोर से जोर से सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। फिर पुकारे अपने आका को हम कहां सरकार जाए आपके सरे
देना सरकार करम फरमा, देना सरकार करम फरमा, देना सरकार करम फरमा, देना किस सरकार करम फरमा, देना मोरी नैया पार लगा देना, सरकार करम फरमा, देना सरकार करम फरमा, देना सरकार करम। और सुनाऊं, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुनेंगे और जोर से। ये जान ले कसम खुदा की आज आपके इस नूरानी महफिल में एक ऐसा खतीब आया है जो मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है, जिसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। वो खतीब ये जान ले कि जब अब गुफ्तगू करने पे आएगा ना, तो आप उसकी उम्र को और उनकी बॉडी को मत देखिएगा, तकरीर होगी ये सुनिएगा, जिसे पूरी दुनिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला इलाहाबादी के नाम से जानते हैं। सिंगल चेजिस तो है लेकिन गुफ्तगू होती है, इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे। मैं चंद शेर और पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अता कै समंदर कहाँ से लाओगे, अता कै समंदर कहाँ से लाओगे, अता कै समंदर कहाँ से लाओगे, अता कै समंदर कहाँ से लाओगे। मेरे उस्ताद मोहतरम के एक बहुत खास शागिर्द का लिखा हुआ, जिसका तखल्लुस है खाकी, बस एक मतलब दो तीन शेर इस कलाम का समाप्त कर ले। अता कहे समंदर कहाँ से लाओगे, अता कहे समंदर कहाँ से लाओगे, बढ़कर कहाँ से लाओगे, मेरे हुजूर से बढ़कर कहाँ से लाओगे। अब एक मनकबत का शेर इस कलाम का सुने, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, कि हुसैन बोल मैं असगर को रन में लाया हूँ। हुसैन के दीवानों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, कि हुसैन बोल मैं असगर को रन में लाया हूँ, हुसैन बोल मैं असगर को रन में लाया हूँ, मने लश्कर कहाँ से लाओगे, लश्कर कहाँ से लाओगे, तुम इसके सामने लश्कर कहाँ से लाओगे, मन लश्कर कहाँ से लाओगे, तुम इसके साथ मन लश्कर
कहाँ से लाओगे तुम इस किसान लश्कर, कहाँ से लाओगे। मेरे उस्ताद का वो शागिर्द एक शेर में हजरत बिलाल की बात कह रहा है तो किस अंदाज से कहता है, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग हैं जो हजरत बिलाल से मोहब्बत करते हैं, देखता हूँ हाथ सच में उठा है या दावा सच्चा है या झूठा है। मैं शेर पढ़ के आपका अंदाजा लगा लूंगा, वो शेर पढ़ता हूँ पूरी बेदारी के साथ। अगर आपने शेर को सुन लिया तो समझ जाऊंगा कि दिल में बिलाल की मोहब्बत बसी है। कि लबों पे नाम खुदा सा मने रसूल खुदा, जोर से एक बार बिलाल के नाम पे दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। लबों पे नाम खुदा सा मने रसूल खुदा, लबों पे नाम खुदा सा मने रसूल खुदा, मुकद्दर कहाँ से लाओगे। बिलाल जय समकद्दर कहाँ से लाओगे, बिलाल जय समकद्दर कहाँ से लाओगे, बिलाल जय समकद्दर कहाँ से ला। मुकद्दर कहाँ से लाओगे। अब एक शेर और नात का सुन ले। कि जब उनके पाए मुकद्दस कभी जवाब नहीं। अगर नबी के आशिक हैं तो दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोले और बुलंद आवाज से बोले। कि जब उनके पाए मुकद्दस कभी जवाब नहीं, जब उनके पाए मुकद्दस कहीं जवाब नहीं, जब उनके पाए मुकद्दस कहीं जवाब नहीं। मिसाल रो मिसाल रो मिसाल रो वे मुनव्वर कहाँ से लाओगे, मिसाल रो वे मुनव्वर कहाँ से लाओगे। आखिरी शेर मौला अली की बारगाह में मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त कर ले। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कि जो बाप इल्म हो मौला भी हो जमाने का। अली के आशिक हैं आप, अली के दीवाने हैं तो हाथों में उठा के बुलंद आवाज से बोल दे या अली, और जोर से बोले या अली। अब शेर सुने। कि जो बाप इल्म हो मौला भी हो जमाने का, जो बाप इल्म हो मौला भी हो जमाने का। कि जो बाप इल्म हो मौला भी हो जमाने का, सेवाए फात सेवाए फात तहे खैबर कहाँ से लाओगे,
घर कहाँ से लाओगे। एक बार सब मिलके पढ़ ले, हम कहाँ सरकार जाए, हम हाथों को लहरा के आप दिल से पुकारो दिल से, हम कहाँ सरकार जाए आपके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।